देखेगा श्रीमान जी जी हमारे पास हुआ करती है जूस इंसेक्टर मशीन जी, यानी सर जूस निकालने की सर ये दो मशीन जी, सर ये दो छोटी छोटी मशीन सर चार बड़े बड़े रिश्तेदार फलों का जूस निकालेगी श्रीमान जी जी। बड़ी वाली मशीन जो आप देख रहे हैं जी संतरा मौसम्बी और सर माल्टे का जूस निकालेगी जी, छोटी वाली मशीन जो आप देख रहे हैं जी केवल नींबू का जूस निकालेगी। आप सोचते होंगे जी सर मशीनें तो बहुत छोटी छोटी सी हैं, इनसे इतने बड़े बड़े फलों का जूस कैसे निकलता होगा। तो लीजिएगा श्रीमान जी हमारी बड़ी वाली मशीन से जी सर बड़े फल का जूस निकाल के सर बताते हैं आपको। तो जी सर आप कोई भी आप संतरा मौसम्बी असर माल्ट्रा जी सर आप ले लीजिएगा जी सर। संतरा मौसम्बी असर माल्ट्रे को आपको इसे काटने या छिलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, इसकी ले लीजिएगा जी सर आप डंठल वाली साइड या तो सर इसकी बैक साइड जी सर, दोनों में से आप किसी भी एक साइड से जी हमारी मशीन की दांतों वाली साइड से इसे गोल घुमाकर जी सर आप कर लीजिएगा फिट जी सर। इस प्रकार से आप इसके जूस के सारे रेशे इस प्रकार से आप काट देंगे। तो जी मशीन को नहीं आप जी सर संतरा मौसम्बी या सर माल्ट्रा को जी सर आप चारों तरफ से आप दबाइएगा घुमाइएगा जी सर, जूस आपका तैयार। तो जी आप इस जूस को आप किसी भी ग्लास बर्तन या जी थर्मस में जी सर आप निकाल सकते हैं। तो जी सर मशीन को नहीं आप जी सर संतरा मौसम्बी या सर माल्ट्रा को आप चारों तरफ से जी दबाइएगा और जूस निकालेगा जी सर, और दबाइएगा जी सर और जूस निकालेगा जी सर। इस प्रकार से आप जूस निकाल के जी छोटे छोटे बच्चों को आप पिला सकते हैं और आप खुद भी पी सकते हैं। यदि बाजार जाते हैं आप जूस लेने के लिए तो बाजार में मिलता है जूस आधा बर्फ आधा पानी आधा जूस, तो कहने का मतलब जी सर मिलावट का जूस। यदि सर छोटी छोटी सी मशीनें आपके पास में हैं तो जी सर मिलावट का जूस पीने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं आपको। तो इस प्रकार से आप एक एक बूंद जूस आप निकालेंगे ग्लास के अंदर संतरा मौसम्बी असर माल्ट्रे का। तो देखिएगा श्रीमान जी आप घर में रहें या सफर में, यदि बिल्कुल ही छोटे छोटे से बच्चों को यदि आप पिलाना चाहते हैं जूस तो इसी प्रकार से जी आप हमारी बड़ी वाली मशीनों पर कर लीजिए छोटी सी एक निप्पल फिट जी। आप संतरा मौसम्बी या माल्ट्रा को आप चारों तरफ से जी दबाइएगा तो जी हंसते हंसते आपका बच्चा भी जी फिल्टर किया हुआ जी सर एक एक बूंद जूस पीने के लिए जी सर तैयार हो जाएगा। तो जूस निकालने का तरीका देखा आपने जी बारी मशीन की कीमत की, तो मशीन की कीमत आपको जरूर बताऊंगा, आप एक छोटा सा तरीका और देखिएगा। तो यदि आपको सर इससे अब नींबू का भी जूस निकालना हो, सर जरा बैठ जाएगा प्लीज सीट पर, देखिएगा यदि आपको इससे नींबू का भी जूस निकालना हो तो जी आप हमारी अब छोटी वाली मशीन भी ले लीजिएगा। देखिएगा नींबू को भी आपको काटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, नींबू की भी ले लीजिएगा डंठल वाली साइड या तो नींबू की बैक साइड, दोनों में से आप जी एक साइड से हमारी मशीन की दांतों वाली साइड से इसे भी गोल घुमाकर जी सर आप कर लीजिएगा फिट। तो जी मशीन को नहीं आप जी सर नींबू को भी चारों तरफ से आप दबाइएगा घुमाइएगा जी सर, जूस आपका फिर से तैयार। तो यदि एक नींबू आपके पास में है, एक नींबू यदि पास में है आपके तो पहले की दाल में डालेगा जी, और दबाएंगे नींबू को आप तो दूसरे की सलाद में डालेगा, तीसरे की सब्जी में डालेगा, चौथे की आप शिकंजी बना लीजिएगा, जरूरत नहीं आपको तो रख देंगे, जूस आपका ढुलेगा नहीं सर। घंटे दो घंटे बाद अगर आपको फिर से जरूरत लगती है जूस की तो इसी प्रकार से आप नींबू को दबाते चले जाएंगे, इसी प्रकार से एक एक बूंद जूस आप निकालेंगे आप नींबू का भी इस प्रकार से गिलास के अंदर। तो जूस निकालने के आपने सारे ही तरीके देखे जी, अब बारी है मशीनों की कीमत की। तो जी मशीनों की कीमत हमारी कंपनी आपसे केवल 20 रुपए ले जा रही है, और आप देखेंगे जी सर एक नहीं जी सर दोनों ही मशीनों की कीमत हमारी कंपनी आपसे केवल 20 रुपए ले जा रही है। तो घर जाते हैं अगर आप तरीका भूल जाते हैं, तरीका दे रखा है पूरा लिखा हुआ पीछे हिंदी और इंग्लिश में, तो सर टूटने फूटने वाला विश्व का आइटम नहीं होगा, आप घर में रहें या सफर में यूज आने वाला आइटम होगा। यदि देखना चाहेंगे आप देख सकते हैं, देखने का कोई चार्ज नहीं होगा।
तो केवल 20 रुपए का सेट होगा जी दोनों मशीनों का।